वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक फिलोसफर के बारे में और वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में। तो हमारे जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं वो हैं डेकार्ट। डेकार्ट की एक जो थ्योरी है जिसको कार्टेशियन मेथड या मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेकार्ट की कार्टेशियन मेथड या ये कहें सर्टेन नॉलेज ऑफ डेकार्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि डेकार्ट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, और हम तीन वेस्टर्न फिलोसफर हैं, हम तीन फिलोसफर का नाम लेते हैं जो रेशनलिस्ट थे, जो बुद्धिवाद में विश्वास करते थे। वो अनुभववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म में उनका कॉन्सेप्ट नहीं था, वो उसको अपोज करते थे। इनका मानना यह था कि जो नॉलेज होनी चाहिए थी, जो नॉलेज होनी चाहिए वो रेशनल होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, उसमें कोई किसी तरीके का डाउट होना ही नहीं चाहिए। सर्टेन नॉलेज की वो लोग बात करते थे। तो सर्टेन नॉलेज के कॉन्सेप्ट में डेकार्ट का क्या कॉन्सेप्ट है और वो कार्टेशियन मेथड से वो क्या कहना चाहता है, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसा यहां पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द एम ऑफ डेकार्ट इज टू फाइंड क्लियर डिस्टिंक्ट एंड सर्टेन नॉलेज। नॉलेज कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जो चीज है वो डेफिनेट में क्या वो है कि नहीं है। तो इसकी जो फिलॉसफी है वो है क्लियर डिस्टिंक्ट एंड सर्टेन नॉलेज के बारे में। और इसके लिए वो क्या करता है कि चूंकि वो एक मैथमेटिशियन होता है, ठीक, फ्रेंच मैथमेटिशियन, इस वजह से उसने कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का ही उसने इस्तेमाल किया, और इसी का जो मैथमेटिक्सल जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन मेथड। तो हम चर्चा करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो एक चीज ध्यान रखिए कि रेशनल थिंकर्स में, वेस्टर्न फिलोसफी में अगर हम बात करेंगे रेशनल थिंकर्स की, तो तीन नाम आपको याद रखना है, एक स्पाइनोजा, लेबनिस और डेकार्ट। डेकार्ट का नाम जो है इन सब में सबसे ऊपर लिया जाता है, और इसकी थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से रेशनल फिलॉसफी पे डिपेंड है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका कार्टेशियन मेथड्स है क्या। इसका मानना यह था कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको आप छोटे छोटे भागों में जो है वो डिवाइड कीजिए, ठीक है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कीजिए। तो यहां पे आप लोग पहली लाइन देख रहे हैं कि डेकार्ट द मैथमेटिशियन सेज दैट एक्सियोम्स ऑफ ज्योमेट्री आर द प्यूरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्टेन नॉलेज। उसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री का एक्सियोम्स फॉर्म है वो जो है वो प्यूरेस्ट फॉर्म है, या ये कहें कि उस पर आप जो है सर्टेन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वास कर सकते हैं। तो उसको नॉलेज कैसे चाहिए किसी भी चीज के बारे में, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो ज्योमेट्री में हम लोग क्या बात करते हैं, अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, या एक आयत की बात करें, तो उसमें आप लोग क्या बात करोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ क्या होगा, उसकी एरिया होगी, ये क्या है, ये डेफिनेट है। तो इसी तरीके की वो बात जो है वो थॉट्स में भी लाना चाह रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में लाना चाह रहा है, कि कोई अगर हम नॉलेज लेना चाह रहे हैं किसी भी बारे में तो वो सर्टेन होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, उसने दूसरे पॉइंट में ये बोला है कि दे आर द सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, दिस काइंड ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ ही वॉन्ट्स टू फाइंड इन फिलोसफी ऑल्सो। तो जो ज्योमेट्री में जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो फिलोसफी में भी लाना चाह रहा था। तो द मेथड दैट ही अप्लाइज फॉर दिस पर्पज इज नोन एज कार्टेशियन मेथड। तो ये जो मेथड था, जो मैथमेटिकल जो अप्रोच था, उसी को उसने बोला कार्टेशियन मेथड, और इसके मेथड को कार्टेशियन मेथड ऑफ डेकार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इट इज अ मेथड ऑफ डाउट। अब यहां पे बात आती है कि मेथड ऑफ डाउट का क्या मतलब है। किसी भी चीज के लिए या किसी भी चीज की जो है हम सर्टेन नॉलेज जाना चाहते हैं, क्लियर नॉलेज जाना चाहते हैं, तो उस पर पहले हम डाउट करना सीखे कि क्या वास्तव में ये चीज है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये जो है पेन है, तो हम ये जानने की कोशिश क्या ये पेन है, हम अपने आप से पूछें कि क्या ये पेन है, क्या पेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारी वो फुलफिल करता है, क्या जो एविडेंसेस होने चाहिए पेन के लिए इसमें है, जो क्वालिटीज होनी चाहिए क्या इसमें है। तो इस तरीके से
वो सर्टेन नॉलेज के लिए वो डाउटफुल या डाउटिंग का कॉन्सेप्ट लाता है कि हर चीज पे आप डाउट कीजिए, इसी के बेस पे जो है आपको सर्टेन क्लियर नॉलेज या डेफिनेट नॉलेज प्राप्त होगा। तो ट्रू नॉलेज के कॉन्सेप्ट के लिए उसने डाउटिंग का कॉन्सेप्ट लाया। तो इसमें कार्टेशियन मेथड क्या करता है ट्रू नॉलेज के लिए या सर्टेन नॉलेज के लिए या डेफिनेट नॉलेज के लिए, तो उसने उसने जो है चार मेथड बताए, ठीक है। डेकार्ट, डेकार्ट की किताब है डिस्कोर्स, ध्यान दीजिएगा, डिस्कोर्स ऑन मेथड, डिस्कोर्स ऑन मेथड, डिस्कोर्स ऑफ मेथड में उसने चार रूल बताए हैं, और यही जो चार रूल हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन मेथड। तो इसमें हमारे हमारा ये जो पहला रूल क्या है, उसका पहला रूल क्या है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट रूल है नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज ट्रू, किसी भी चीज को जो है इसी तरीके से सत्य नहीं मानना है, विच इज नॉट नोन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली टू बी ट्रू, किसी भी चीज को जो है हम ट्रू नहीं मानेंगे जब तक वो स्पष्ट रूप से या डेफिनेट तरीके से या डिस्टिंक्टली वो ट्रू ना हो, वो सत्य ना हो, तब तक हम उसको सत्य नहीं मानेंगे। दूसरा क्या बोलता है वो, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू एज मेनी सिंपलेस्ट पार्ट्स एज पॉसिबल। जैसे मान ली कि कोई प्रॉब्लम है, अब जैसे इसको मैं डायग्राम से बना रहा हूं, जैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, समझने के लिए। अब इस प्रॉब्लम को क्या करना है कि हमें छोटे छोटे भागों में इसको डिवाइड करना है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में क्या, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये इसको आप डिवाइड कर लीजिए, फिर इसको जो है सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो ये उसका दूसरा तरीका। तीसरा मेथड क्या है, कमेंस विद द सिंपलेस्ट एंड देन एसेंड स्टेप बाय स्टेप टू द मोर कॉम्प्लेक्स। पहले आपकी शुरुआत क्या करना चाहिए, छोटे प्रॉब्लम से और सिंपल साधारण प्रॉब्लम को जो है आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना है, ना कि पहले कॉम्प्लेक्सिटी में उलझ जाए और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका जो तीसरा मेथड है वो ये है कि सिंपलेस्ट जो सिंपल प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व करें, और धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ से या जटिलता की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है कि इन एवरी केस मेक द इन्यूमरेशन सो कंप्लीट दैट यू मे बी एश्योर्ड दैट नथिंग इज ओमिटेड। हमें इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि ऐसा कोई भी चीज जो है ऐसा ना हो कि हमसे छूट जाए या हमसे जो है इग्नोर कर जाए। तो हर एक पॉइंट या स्टेप को जो हमें समाहित करते हुए ट्रू नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या सत्य को कैसे जानना है, उसमें सब चीजों को हम इन्यूमरेट करेंगे, समाहित करने की कोशिश करेंगे, तब जाके किसी के बारे में हम ट्रू एंड डिस्टिंक्ट एंड क्लियर नॉलेज या ये कहें सर्टेन नॉलेज हम गेन कर पाएंगे। तो ये जो था, ये जो चार मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया, इसी को कार्टेशियन मेथड ऑफ डेकार्ट बोलते हैं। कभी कभी जो कार्टेशियन वर्ड ना इस्तेमाल करके जो मैथमेटिकल मेथड्स भी बोलते हैं, तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा, यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीजीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी शॉर्ट नोट्स या अगर आपको मैं ये कहूं कि लॉन्ग आंसर में भी इसको एक्सप्लेन करने के आ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ गॉड की, गॉड के बारे में क्या सोचना था डेकार्ट का। तो एक रेशनल थिंकर जो है वो गॉड को कैसे डिफाइन करता है या कैसे वो महसूस करता है, या गॉड गॉड जो है उसके नजर में भगवान वो किस तरीके से समझता है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।